Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine. Today we continue our unit number 2, organ systems in human beings. Open book page number 16. Today our topic is comparing respiration and burning. Respiration और burning को जब हम compare करते हैं तो सबसे पहले दोनों में क्या similarities हैं वो देखेंगे. नंबर वन पॉइंट, बर्निंग और रेस्पिरेशन दोनों फ्यूल से एनर्जी रिलीज करते हैं. इसी तरह से दोनों ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, यानी कि रिलीज़ करते हैं. इसी तरह से जब कोई चीज़ जैसे वुड, पेपर या दूसरी किस्म की चीज़ों को बर्न किया जाता है तो हवा से ऑक्सीजन लेती हैं, वो आग को भड़काती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एक्सहेल हो जाती है. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से अक्सर जलने वाली जगहों पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या फ़र्क है. नंबर वन पॉइंट है, रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत स्लो रिलीज़ होती है जबकि बर्निंग में एनर्जी तेज़ी से रिलीज़ होती है. इसी तरह से रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल किया जा सकता है और रेस्पिरेशन सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है जबकि बर्निंग में हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है. स्मोकिंग की वजह से लंग्स का कैंसर होता है जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं. कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लंग्स का कैंसर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ब्रोंकस को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है. एम्फिसीमा लंग्स की एक कंडीशन होती है, इसमें एल्वियोलाई बहुत थिन और कमज़ोर हो जाते हैं. एम्फिसीमा में एल्वियोलाई टूट जाते हैं और लंग्स में एक बड़ा स्पेस छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सांस लेना बहुत तकलीफदेह और मुश्किल होता है. एम्फिसीमा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से होता है. लंग्स के एयर पैसेज मीन्स वो जगह जहाँ पर लंग्स में एयर आती है वहाँ सूजन आ जाती है जिसकी वजह से लंग्स में ऑक्सीजन रिड्यूस करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है. ये बीमारी ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होती है लेकिन स्मोकिंग इस बीमारी को बदतरीन बना देती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारियों की वजह क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं. जर्म्स डिजीज जो होती हैं हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, हमारी सांस के साथ इनहेल हो जाएं. केमिकल्स मीन्स वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हों उनका यूज़, इसके अलावा फ्यूम्स और वेपर्स जो डेंजर्स हों वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं तो रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती हैं. लंग्स के इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, लंग्स के इन्फेक्शन से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि अपनी फिटनेस को, फिज़िकल फिटनेस को स्पेशली मेंटेन किया जाए. हेल्दी और नरिशिंग फूड यानी बैलेंस डाइट का यूज़ किया जाए. बहुत ज़्यादा हुदूम वाली जगह पर ना जाएं या ऐसी जगह जहाँ हवा ना हो वहाँ जाने से अवॉइड किया जाए वहाँ जाने से, क्योंकि अगर लंग्स में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ठीक रहे. स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट टॉपिक. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. इससे रिलेटेड असाइनमेंट आप कीजिए और स्कूल में सबमिट करवाइए. किसी भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को बार बार गौर से देखें और चैप्टर की समरी को भी गौर से देखें. थैंक यू सो मच.